बिजोलिया की बाई जिलाल अजबदे मेरे साथ में है। अजबदे, कैसा रहा आपका आज का ये जो शूट था? पहले तो उदय बहुत फाइटिंग सीन था एंड ऑल, फिर उसके बाद हाँ फाइटिंग सीक्वेंस तो हो गया अगर टेलीकास्ट हुआ और आप लोगों ने देखा है तो। बहुत अच्छा रहा। अभी हम ये शूट कर रहे हैं कि जैसे हमने आपको पहले बताया कि प्रताप को नहीं पता मैं अजबदे हूँ और अजबदे को नहीं पता कि वो प्रताप है, तो मुझे शक है कि वो कोई गुप्तचर है राणा उदय सिंह का जो हमारे बिजौलिया में घुसने का प्रवेश कर रहा है क्योंकि वो जानना चाहता है कुछ, यू नो वॉट एवर उसका जो मोटिव हो। तो मैं अपने भाई, अपने मुंह बोले भाई पट्टा को बोलती हूँ कि यू नो बी केयरफुल, उससे ज़्यादा फ्रेंडशिप मत बढ़ाना और वो कोई यू नो कोई क्या कहते हैं कुछ प्लानिंग चल रही होगी उनके दिमाग में, सो जस्ट बी विजिलेंट अबाउट इट। तो वही सीन अभी हमने शूट किया है। तो कैसा रहा फाइट सीक्वेंस के बारे में कुछ बताएं, कितना घुड़सवारी की, तलवारबाजी की? वैभव जी जो मेरे डायरेक्टर है काफ़ी मेहनत की और काफ़ी कुछ, जो हमारे फाइट मास्टर आए थे उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की। बहुत मज़ा आया बिकॉज ये मेरा फर्स्ट फाइट सीक्वेंस था, मैंने लाइफ में कभी नहीं किया था तो एक अलग एक्सपीरियंस था। ऑब्वियसली काफ़ी मेहनत लगती है उसमें क्योंकि आप बहुत कैजुअली तो सब कुछ नहीं कर सकते, तो इट वॉज़ फन। एक्चुअली बहुत फन था क्योंकि इतनी धूप थी बट फिर भी मज़ा आ गया। अच्छा, तलवारबाजी सीखी, घुड़सवारी सीखी, क्या क्या मतलब कितना करना? सीखा कुछ नहीं, वो मैं एवरीडे ऑन द सेट स्पॉन्टेनियसली सीख रही हूँ, ऐसे कुछ स्पेशल ट्रेनिंग नहीं है। बट लाइक वन डे आई केम तो मुझे घोड़े को हाथ लगाने से भी डर लगता था, तो मुझे सारे मेरे डायरेक्टर्स ने छुओ, उसको प्यार करो, बिस्किट खिलाओ, ये खिलाओ, वो खिलाओ। फिर वंस आई सैट ऑन द हॉर्स तो ऐसे धीरे धीरे यू नो दे आर मेकिंग मी गेट टू यूज्ड लाइक दैट। या अच्छा, अगर रचना की बात करें तो रचना का पहला कैरेक्टर कल्पी जो था वो बड़ा ही सिंपल था और जो जब देखो हम देख रहे हैं तो काफ़ी भरी भरी सी, मतलब पूरा गहनों से लदी हुई है। कल्पी का कैरेक्टर जैसे आप लोग जानते हैं चौल वाली लड़की थी जिसके काफ़ी बड़े ड्रीम्स थे, एम्बिशंस थे और ये घोड़ा था तो बड़े ड्रीम्स थे, एम्बिशंस थे और यहाँ पर आई एम प्लेइंग अ क्वीन एज यू ऑल कैन सी। और बहुत बहुत ही डिफरेंस, लाइक अगर कल्पी एकदम चौल की थी तो ये एकदम क्वीन है। तो गेटअप में देखे या यू नो एम्बियंस में देखे या कैरेक्टर में देखे तो काफ़ी फ़र्क है, बट जितना प्यारा मुझे अजबदी का कैरेक्टर है उतना ही प्यारा मुझे कल्पी का कैरेक्टर है क्योंकि मुझे कल्पी के थ्रू बहुत प्यार मिला है, बहुत फैंस मिले हैं, बहुत रिकग्निशन मिला है, तो मैं ऑब्वियसली उसको तो कभी भूल नहीं सकती। अच्छा, तो ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे, कल्पी को इतना सराहा है तो अजबदे के लिए? मैं अपनी सारी फैमिली और अपने सारे दूसरे फैंस को यही कहना चाहूँगी कि इस तरह देखते रहिए, अप्रिशिएट कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, प्यार दीजिए और हम लोग बहुत मेहनत करते हैं सब लोग। मतलब सिर्फ मैं अपने बारे में नहीं कहना चाहूँगी, जितने भी लोग माइथो या हिस्टोरिक शोज़ करते हैं स्पेशली मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं क्योंकि सोशल शोज़ में इज़ ऑल्सो अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, लॉट ऑफ हार्ड वर्क, बट जितनी मेहनत इन जॉनर्स में है, हिस्टोरिक और माइथो में, तो जस्ट अप्रिशिएट अस, दैट्स ऑल, एंड गिव अस योर लव, स्प्रेड हैप्पीनेस, दैट्स ऑल। अच्छा, रचना के फैंस, स्पेशली कल्पना के जो फैंस थे उनके लिए क्या कहना चाहोगे, इतने दिनों बाद आपको फिर से एक बार देखेंगे? मेरी जो सारी फैमिली है, मेरी जो पूरी की पूरी फैमिली और मेरे बाकी ऑल सोशल नेटवर्क्स के मेरे जो फैंस है उनको यही कहना चाहूँगी कि जैसे आप लोगों ने कल्पी के लिए मुझे एक्सेप्ट किया, प्यार दिया, मुझे सारी ब्लेसिंग्स दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वैसे ही इस शो के लिए भी मुझे ब्लेसिंग्स दीजिए, प्यार दीजिए और प्रॉमिस तो मेरा पहले से ही है, मैं अभी भी देती हूँ कि आई वोंट लेट यू गाइज डाउन। थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस। कैमरामैन पुनीत के साथ नुपुर मोहची फॉर टेली मसाला।